कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा राहुल गांधी को लोकतंत्र के भविष्य का राजा कहे जाने पर मशहूर गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने असहमति जाहिर की है। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी और राजीव गांधी के कोलाज फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के पूर्व और भविष्य का राजा। हालांकि सलमान खुर्शीद की इस बात से काफी लोग असहमत नजर आए और सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर ने सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि लोकतंत्र का राजा कहना अपने आप में विरोधाभास है। राहुल गांधी एक अच्छे विपक्षी नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, मिस्टर सलमान खुर्शीद, आपका विरोधाभास लोकतंत्र का राजा कहना बेहद निराशाजनक है। राहुल गांधी एक विपक्षी नेता के तौर पर स्वीकारे जा सकते हैं, लेकिन जो कोई भी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है, वो नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जावेद अख्तर से पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सलमान खुर्शीद के इस बयान के लिए उन पर निशाना साधा था और उन्होंने सलमान खुर्शीद को याद दिलाते हुए कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, वंश नहीं। संबित पात्रा ने कहा, खुर्शीद द्वारा घोषित लोकतंत्र में राजा नहीं होते, बल्कि राजवंशों के राजा होते हैं। सलमान खुर्शीद का ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन आया था। राजीव गांधी की 21 मई 1991 को आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस को बीते लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 सीटें मिली थी। वर्तमान में सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। और ऐसे में राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री कहना एक जिम्मेदार बयान नहीं है।